आज तक जितने भी स्पेस मिशन हुए हैं उनमें रॉकेट अहम भूमिका निभाता है। जब एक रॉकेट को अंतरिक्ष यान के साथ लॉन्च किया जाता है तब अंतरिक्ष यान सही सलामत पृथ्वी पर आ जाता है, लेकिन रॉकेट कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आता। आखिर रॉकेट का क्या होता है और रॉकेट आसमान में जाकर कहां गायब हो जाता है, सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, दरअसल जब तक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तब ही अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते अंतरिक्ष यान यानी सैटेलाइट से अलग हो जाता है, तो उसका बहुत छोटा हिस्सा बचा रह जाता है। इसके बाकी हिस्से वायुमंडल के नीचे जाते ही जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन एक आखिरी हिस्सा स्पेस में ही घूमता रहता है। यह हिस्सा अंतरिक्ष के कचरे का हिस्सा बन जाता है और वहीं घूमता रहता है। अंतरिक्ष में ऐसा बहुत सा कचरा है जिसे स्पेस डेब्रिस कहते हैं। दोस्तों, अब आपको बताएंगे कि स्पेस डेब्रिस किसे कहते हैं। जब भी धरती से कोई चीज अंतरिक्ष में भेजी जाती है तो वह उतने ही रूप में वापस धरती पर नहीं आती जितना उसे भेजा जाता है। उसका कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में ही घूमता रहता है। इस बचे हुए भाग को ही स्पेस जंक यानी डेब्रिस कहते हैं। इसमें बड़े बड़े डेड सैटेलाइट भी शामिल हैं, जो अपना समय पूरा कर चुके हैं और धरती से उनका संपर्क खत्म हो चुका है। इसमें फैल हुए अंतरिक्ष मिशन का कचरा भी शामिल है और कई बहुत छोटे छोटे सुई जैसा कचरा भी शामिल है। अब आपको बताएंगे अंतरिक्ष में कितना स्पेस जंक घूम रहा है। दोस्तों, साल 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 2000 एक्टिव सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रही हैं। यह वो सैटेलाइट हैं जिनका अभी भी धरती से संपर्क है और वह अपना काम बेखूबी कर रही हैं। इसके अलावा 3000 डेड सैटेलाइट भी हैं जिनका समय पूरा हो चुका है और इनका धरती से संपर्क यानी कंट्रोल सेंटर से संपर्क खत्म हो चुका है। 10 सेंटीमीटर से बड़े 34,000 टुकड़े अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं और इनके अलावा लाखों छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे हैं और अगर यह किसी चीज से टकराते हैं तो किसी तरह का नुकसान नहीं करेंगे। अब आप सोचते होंगे क्या कभी धरती पर यह कचरा आके गिर सकता है या इस धरती को कभी इस कचरे से नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये सवाल जरूर डरावने वाला है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धरती पर कचरा आने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि अगर कोई भी टुकड़ा वापस धरती के वातावरण में घुसता है तो बहुत अधिक घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है और वह जमीन से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर ही नष्ट हो जाता है। धरती की निचली कक्षा में घूम रहे ऐसे टुकड़े अक्सर धरती के वातावरण में घुस जाते हैं लेकिन तुरंत जलकर ही नष्ट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में धरती पर कचरा आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।